हे एवरीवन, कैसे हो? तो दोस्तों, जो फर्स्ट वैकेंसी आप देख पा रहे हो, जनमत अर्बन निधि प्राइवेट लिमिटेड, ये बैंक की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है। जो तो यहाँ पे उन्होंने शाखा व्यवस्थापक के लिए एक जगह निकाली, वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑफिसर के लिए दोस्तों एक जगह है, यहाँ पे 3 साल का आपका बैंकिंग सेक्टर में अनुभव होना चाहिए और आपके पास डिग्री कंप्लीट है तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर ऑफिसर के लिए भी एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 जगह निकाली हुई दोस्तों, 1 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है बैंकिंग रिलेटेड तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिपाही के लिए दोस्तों यहाँ पे 12वीं पास 2 जगह निकाली दोस्तों, यहाँ पे भी अनुभव चाहिए दोस्तों। देन उसके बाद दैनिक अभिकर्ता के लिए 10वीं पास चाहिए, 20 जगह उन्होंने निकाले। यानी दैनिक अभिकर्ता यानी डेली कलेक्शन के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो निकली हुई है, ये नियर जिला यवतमाल के लिए दोस्तों। तो जो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको 7 जनवरी को सुबह 11 से 3 बजे जय अंबे कॉम्प्लेक्स चावरचा मंजिला ST बस स्टैंड समोर नियर जिला यवतमाल, तो यहाँ के लिए ये वैकेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे दिए गए एड्रेस पर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूले, ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहते हो दोस्तों, वो आपसे मिस ना हो पाए। जो ये वैकेंसी जो दी नागपुर स्मार्ट सिटी क्रेडिट कोऑपरेटिव, ये भी सोसाइटी की तरफ से वैकेंसीज निकल कर आई है। तो यहाँ पर भी उन्होंने पिग्मी और डेली RD कलेक्शन के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने 10 जगह निकाली हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 31 जनवरी के तक आपको यहाँ पे अर्ज यहाँ पे सबमिट करना है। जो इनका ऑफिस है, F1 सिद्धकी विनायक होम लखड़गंज नागपुर, तो ये एड्रेस दिया हुआ है इस बैंक का। तो इस दिए गए बैंक के ऑफिस में आपको अप्लीकेशन सबमिट करके देन उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे। देन नेक्स्ट जो वैकेंसी है, श्री स्वामी समर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एट परसुड़ी तालुका धामंगाव रेलवे डिस्ट्रिक्ट अमरावती की तरफ से वैकेंसी है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने वेरियस पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है। तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोस्तों 6 जगह निकली हुई है। अगर आपका मास्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 2 जगह निकाली है दोस्तों। देन उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड अटेंडेंस के लिए दोस्तों यहाँ पे MSc BSc कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम उन्होंने 4 जगह निकाली है दोस्तों। देन उसके बाद क्लर्क के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। आपका एनी ग्रेजुएट और साथ में आपने टाइपिंग का कोर्स कंप्लीट किया है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 2 जगह निकाली है दोस्तों, जो क्लर्क के लिए दोस्तों। देन उसके बाद अकाउंटेंट पद के लिए दोस्तों MCOM BCOM कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर ऑफ आपका लाइब्रेरियन कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद पीयून के लिए दोस्तों मिनिमम 10 पास अगर आप हो गए तो मिनिमम तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जगह निकाली हुई दोस्तों उन्होंने पीयून पद के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप यहाँ पे जॉब करना लिए जाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको डायरेक्टली वॉकिंग इंटरव्यू इन्होंने रखा हुआ है दोस्तों 8 जनवरी को सुबह 10:30 बजे। जो इनका एड्रेस है, श्री स्वामी समर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी परसोड़ी रोड धामंगाव रेलवे डिस्ट्रिक्ट अमरावती। तो ये एड्रेस पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, वो भी 8 तारीख को। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना है। तो यहाँ पर आपका लेटेस्ट रिज्यूम होना चाहिए आपके पास, और आपके पास फोटोग्राफ, ऐसे 3 चीज़ आपको लेकर साथ में यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस पर एक बार कांटेक्ट करके पूरा डिटेल्स आप ले सकते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये सेंट चैवरी स्कूल की तरफ से नागपुर के लिए दोस्तों वैकेंसीज है। तो यहाँ नहीं सॉरी वर्धा के लिए परसोड़ी सालोड डिस्ट्रिक्ट वर्धा के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने TGT और PRT के लिए वैकेंसी निकली है। अगर TGT के लिए बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, ऐसे 3 सब्जेक्ट दिए हुए दोस्तों। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है रिलेटेड सब्जेक्ट में तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद PRT के लिए दोस्तों इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, मराठी, लाइब्रेरी, ऐसे पद यहाँ पे उन्होंने निकाले हुए दोस्तों। तो ये पद पर इन्होंने वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको सेंट चैवरी स्कूल सालोड डिस्ट्रिक्ट वर्धा, तो यहाँ पे दिए गए एड्रेस पर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा पाओगे आप। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया है, 8884649912, ये इनका मोबाइल नंबर दिया है। इस पर आप एक बार कॉन्टैक्ट करके पूरा डिटेल्स लीजिए, देन उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाइए यहाँ पे।
देन नेक्स्ट जो वैकेंसीज आप देख सकते हैं, बल्लारपुर सेवा समिति द्वारा ये वैकेंसी निकल कर आई, जो कि मोहसिन भाई जौहरी कनिष्ठ महाविद्यालय चंद्रपुर में दोस्तों, चंद्रपुर बारापुर। तो यहाँ पर उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए दो जगह निकली दोस्तों। यहाँ पे एमएससी बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स में, उसके बाद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए एक जगह है। तो यहाँ पे भी एमएससी मैथमेटिक्स प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के लिए एक जगह है, वाणिज्य यानी कॉमर्स पद के लिए चार जगह को दोस्तों। यहाँ पे एम कॉम आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद इंग्रेजी और मराठी सब्जेक्ट के लिए दो जगह निकले दोस्तों। अगर आपका एम ए आपने कंप्लीट किया है इंग्रेजी या तो मराठी सब्जेक्ट में और आपने बी एड कम्प्लीट है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रयोगशाला सहायक यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दोस्तों दो जगह निकली है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम 12वीं साइंस अगर आप पास है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद लिपिक यानी क्लर्क के लिए दोस्तों एक जगह निकली है। तो अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड में आपका डिग्री कंप्लीट है यानी बीकॉम आपने कंप्लीट किया है तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 9 और 10 तारीख को यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। तो आप देख सकते हैं सुबह 11 से 2 बजे आपको जो लॉ कॉलेज समोर एसटी वर्कशॉप जवर तुक्कुम चंद्रपुर, ये इनका एड्रेस है, इस दिए गए एड्रेस पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है दोस्तों। देन नेक्स्ट जो वैकेंसी आप देख सकते हैं वो आदर्श महिला नागरिक सहकारी पद संस्था जो कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट के लिए दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी उन्होंने कार्यालयीन कर्मचारी पद के लिए चार जगह निकाली है। यहाँ पे एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजेंट के लिए 10 जगह निकाली है। तो यहाँ पे एजेंट के लिए एनी ग्रेजुएट या तो फिर आप 12वीं पास हो गए तो मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जनवरी से 8 जनवरी तक यहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको सुबह 11:30 से 4 बजे तक विजय टावर कॉम्प्लेक्स टाकड़ी रोड पेट्रोल पंप जवर भंडारा, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और दोस्तों अभी तक के आपने हमारे चैनल पर जो वीडियोज है तो वो अभी तक के प्रीवियस वीडियो आपने देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ वो देख कर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो 2 से 3 दिन के लिए वो एक्टिव रहते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने टेलीकॉलर के लिए दो गर्ल्स के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली, आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए दो वैकेंसीज है। अगर आपका बीए बीकॉम एनी ग्रेजुएट आप पास आउट है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो यूनिवर्सल एजुकेशन कंसल्टेंसी की तरफ से वैकेंसी जो कि भंडारे के लिए दोस्तों। देन नेक्स्ट जो वैकेंसी है जयंत भिस्से नागरिक सहकारी पत्र संस्था जो कि यवतमाल के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए दोस्तों एक जगह निकाली हुई है दोस्तों। अगर आपका बीकॉम में ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 6 तारीख को डायरेक्ट इंटरव्यू रखी हुई है दोस्तों। तो आपको जो एड्रेस है इस एड्रेस पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। देन नेक्स्ट जो वैकेंसी है वर्धा के लिए डॉक्टर गुल्लर हॉस्पिटल वर्धा के लिए वैकेंसी दोस्तों। अगर आपका फार्मासिस्ट आपका डिग्री है आपके पास तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए तो पंजाब कॉलोनी वर्धा यहाँ पे डॉक्टर गोलर हॉस्पिटल है तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर है इस पर आप एक बार कांटेक्ट करिए उन्हें। देन नेक्स्ट जो वैकेंसी ये कंप्यूटर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है जो कि परमानेंट बेसिस पर महिला के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ इतना सैलरी आपको मंथली देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है 9890440448 इनका मोबाइल नंबर है इस पर आपको कांटेक्ट करना है। देन नेक्स्ट जो वैकेंसी है टीचर्स के लिए वैकेंसी उन्होंने निकाले दोस्तों जो इमिडिएटली उन्हें अर्जेंट बेस पर चाहिए। तो एमएससी एमई एमटेक एमसीए कैंडिडेट को आपको पढ़ाना है तो दोस्तों आपको फिजिक्स आईटी सीएस जूलॉजी ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे दिए गए सब्जेक्ट रिलेटेड आपका एजुकेशन कंप्लीट है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो वैकेंसी आप देख सकते हैं ये ज्वेलर शोरूम के लिए वैकेंसी निकल कर आए जो कि देवीदास करडे ज्वेलर्स की तरफ से वैकेंसी जो सरापल लाइन वर्धा यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पर उन्होंने विवाहित ग्रेजुएट मूल्य यानी मिनिमम फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है, सिर्फ आपको कंप्यूटर का अनुभव का ज्ञान होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 9850369919 ये इनका मोबाइल नंबर है इस पर आप एक बार कांटेक्ट करके पूरा डिटेल्स लेकर आप अगर वर्धा से बिलोंग करते तो आप वर्धा में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट जो वैकेंसी आप देख सकते हैं विजय मेन्स वेयर जो गढ़चिरौली में है दोस्तों। तो यहाँ पे उन्होंने सेल्स मैन के लिए 5 जगह निकाली है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका सैलरी है वो 5 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ इतना सैलरी आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। दिए गए मोबाइल नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। देन नेक्स्ट जो श्रीराम मेडी ट्रेडर्स केमिस्ट की तरफ से वैकेंसी है जो कि भवन चारमोशी रोड गढ़चिरौली के यहाँ पे है। तो यहाँ पे
मूल्य और मूल्य दोनों चाहिए और साथ में ड्राइवर भी इन्हें चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्ट जाकर आप यहाँ पे मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इंटरेस्टिंग जॉब लेकर आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।